ये है पाकिस्तान। सुबह के 4 बज रहे हैं और हमने मानसरा क्रॉस कर लिया है और अब हम लिंक रोड से हम मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं। एक रोड है जो कि बहुत छोटा सा कंट्री रोड है और इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। हमारा टारगेट है पी चिनासी। अगर हम वहाँ तक पहुँच जाए 6 बजे भी तो ज़बरदस्त काम होगा। हम 3-4 घंटे बहुत अच्छे से ब्लॉग करेंगे। ये जो एरिया बहुत खूबसूरत है, नीलम वैली का एरिया होता है ये मुजफ्फराबाद के करीब करीब। इसके ऊपर सारे बालाकोट, उसके बाद नारायण काबा। अगर हम उधर तक नहीं जा रहे खूबसूरत मंजर है जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं। पीर चिनासी के लिए ऊपर जा रहे हैं। हम सुबह के 4:15 हो रहे हैं। ये पूरी वैली है पहाड़ों पे। शायद आपको बहुत अच्छी तरह नजर ना आए लेकिन इस कैमरे से आनी चाहिए नज़र। और सारी जो वो लाइट्स हैं वो घर बने हुए हैं पहाड़ों के ऊपर। बहुत ऊंची जगह पे हम खड़े हैं। रास्ते बहुत बैंडी हैं। रिवर को हम क्रॉस करते हुए घनी हबीबुल्ला एक टाउन है, बहुत खूबसूरत टाउन है। इधर आए हम नाश्ता करने के लिए। अभी सिर्फ एक ही होटल यहाँ पे खुला हुआ है जहाँ पे पराठे हैं और अंडा है और चाय है। वैसे इनके पास होती है नहारी वगैरह भी। बहुत अर्ली है तो ये है कि हमें अभी पराठे और अंडे और चाय से गुजारा करना पड़ेगा। खूबसूरत टाउन है बहुत। ज़ाहिर सुबह के 5:30 हो रहे हैं और ये टाउन है, ये मेन रोड है टाउन का। खूबसूरत वैली पे पिट स्टॉप लिया है हमने। कुदरत के नज़ारों से भरपूर ये वैली है। हम यहाँ से गुजर रहे थे, ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। हम 7:30 बजे तक पहुँचेंगे पीर चिनासी। मज़े से हमने नाश्ता कर लिया है, अब जो है हम आगे जाएंगे। ठीक है, हाँ जी हम आ गए यहाँ पे मुजफ्फराबाद। ये देखें मुजफ्फराबाद नीचे है, हम ऊपर से जा रहे हैं। बहुत खतरनाक कच्चा रास्ता है। अगर आप ये देखें तो आप बहुत एहतियात से गाड़ी चलाएं। 4x4 है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन एक छोटा सा पीस है जो कि बहुत खतरनाक है। बिल्कुल इधर इतनी गहरी खाई है और पूरा सिटी नज़र आ रहा है मुजफ्फराबाद। बहुत खूबसूरत जगह है। हम पहुंच चुके हैं पीर चिनासी और हम तकरीबन 4500 मीटर की बुलंदी पे मौजूद हैं। पीछे मेरे देखें पीर चिनासी बाबा का मज़ार है, इसी वजह से ये एरिया पीर चिनासी कहलाता है। बहुत रिलैक्सिंग माहौल है यहाँ का। आपने यहाँ पे इंजॉय करना है, आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। कैंपिंग भी हो सकती है यहाँ पे, होटल्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। इधर खाने पीने की चीज़ें, अगर आपने खाना पीना ये पकौड़े वगैरह आएंगे यहाँ पे। तो देसी कुकर लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान है। उस्मान भाई जबरदस्त किस्म की चिकन बना रहे हैं। जी ख्वाजा जी 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 ख्वाजा जी। मज़ार के अंदर जाऊंगा, आपको कुछ शॉट दिखाऊंगा। जा जी
तुम बड़ो गरीब नवाज अपनी करके रखियो मोहे पापखरी की लाज। मैं लज पाला। छिनासी से हम नीचे जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। रोड देखें जो लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है बहुत खतरनाक। ये देखें हाफ रोड पूरा गिरा हुआ, सारे पत्थर वगैरह गिरे हुए ऊपर, तो ये थोड़ा सा डेंजरस है। वो सब गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। हम ऊपर से आ रहे हैं पीर जनासी से और नीचे उतरते हुए हमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखी मुजफ्फ़राबाद में। मुजफ्फ़राबाद बहुत खूबसूरत सिटी है। पूरा सिटी जो है वो माउंटेन पे बना हुआ है, यानी कि समझ लें कि पूरा हिल्स हैं ये यहाँ पर। और ये एक स्टेडियम है मेरे सामने, इसका नाम है निडोल स्टेडियम। बहुत खूबसूरत स्टेडियम है। हम जा रहे हैं मुजफ्फ़राबाद से घनी हबीबुल्ला। रास्ते में हमें एक जगह दिखी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ बहुत साल पहले। इधर से ये दरिया मिलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें ज़बरदस्त खूबसूरत है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हमें भूख भी लग रही है, तो हम कहीं खाना खाते हैं। हाँ जी घड़ी हबीबुल्ला दोबारा हम वापस आ रहे थे, बहुत भूख लगी थी और इतफाक से यही टाउन पड़ गया। हमने तो नाश्ता भी किया था इसी टाउन में। यहाँ पर बहुत मज़े के चपली कबाब बन रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ताज़े लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। अभी आए नहीं है और हमारा हमला शुरू हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ चपली कबाब बना कैसा रहा है। वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना रहा है और बहुत खूबसूरत है। प्रॉपर चपली कबाब जो होते हैं वो है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको।